इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट जमील अख्तर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की हुकूमती इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी वजीर को केपीटी का ऑडिट कराने का इख्तियार नहीं था। मिनिस्टर साहब मामलात में मुदाखलत ना करें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत इजाजत दे तो चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेकर जमील अख्तर पर इल्जामात की शफाफ इंक्वायरी करवाई जा सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात मुनासिब और कानूनी है। नैब के जितने केसेज आ रहे हैं वो सारे इख्तियारात से तजावुज के हैं। कानून के मुताबिक वफाकी वजीर को केपीटी का ऑडिट कराने का इख्तियार नहीं था। हुकूमत मामले पर कानून के मुताबिक अमल करे। अदालत ने हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए चेयरमैन केपीटी की दरखास्त निपटा दी, जबकि अटॉर्नी जनरल के मौकफ के बाद चेयरमैन के खिलाफ यूनियन की दरखास्त सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यूनियंस की वजह से इदारे तबाह हो रहे हैं, इदारों में डिसिप्लिन होना चाहिए।